सरकार एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। अंबाजोगी शहर के रोशन कॉलोनी इलाके के रहने वाले नागरिक आज अंबाजोगी नगर परिषद में एक निवेदन दिए है। आइए जानते हैं कि क्या निवेदन दिए है, क्या शिकायत की है, क्या शिकायत है उनकी, क्या प्रॉब्लम है। आपका नाम? मेरा नाम पठान शहबाज, मैं रहने वाला रोशन कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद अंबाजोगी। आज जो ये आपने विज्ञापन दिया है, निवेदन दिया है, किस विषय में दिया है? ये हमने पानी के विषय में दिया है ये। और यहाँ पर जो है मकाना ज़्यादा रहने की वजह से और बहुत बड़ा इलाका रहने की वजह से यहाँ पर पानी की बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ी समस्या है। कि आज तक हम 4-5 सालों से हम ये बर्दाश्त करते आ रहे हैं और बहुत सारे लोगों को हमने बोला भी, कहा भी, लेकिन किसी ने कुछ काम नहीं किया। हर एक के पास गए, हम सबको बोला हमने, लेकिन हमारा कुछ काम नहीं हुआ। इससे पहले वहाँ पे कोई पाइपलाइनिंग वगैरह कुछ नगर परिषद के ओर से कुछ है या नहीं है? इससे पहले पाइपलाइन किए थे वहाँ पर, लेकिन 3 इंची पाइपलाइन किए हुई है तो, लेकिन वहाँ पे स्टार्ट के जो घर है, एरिया जैसा शुरू हो रहा, 2-3 घरों को पानी आता और जैसे इनका मोटर लग जाती तो पीछे के हिस्से में किसी को पानी नहीं आता। मोहल्ले में कितने घर है? मोहल्ले में लगभग 150 मकान आते, 150 घर है। कितने दिनों में पानी आता है ऐसा यहाँ पर? अभी तो 10-15 दिन ऐसा पानी आता है। आपका नाम क्या है? आपके यहाँ भी पानी का प्रॉब्लम? हाँ, पानी का प्रॉब्लम। कब से पानी नहीं है? बहुत दिनों से पानी नहीं है। क्या मांग करना चाहोगे प्रशासन के खिलाफ? वो पानी क्या से मांग करें, जो पाइपलाइन बदल के दे दो हमारे को। पाइपलाइन वो बारीक है, छोटी है, 3 इंची पाइपलाइन है। अच्छा, तो बड़ी पाइपलाइन है, क्योंकि वहाँ घर ज्यादा हो गया, 100-150 घर हो गया। ये थी अंबाजोगी की जनता। जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार इन दिनों पानी का इशू अंबाजोगी शहर में बढ़ता चला जा रहा है। खास करके अंबाजोगी शहर की अगर पानी परोटा की बात की जाए, शहर में जहाँ जहाँ भी पाइपलाइनिंग, बड़ी पाइपलाइनिंग गुजरी है, वहाँ वहाँ लीकेज की समस्याएं देखने मिलती है। और उसी कारण जो लोग यहाँ के नागरिक हैं वो त्रस्त है, उन तक पानी नहीं पहुँच रहा है। आइए देखते हैं कि आगे प्रशासन इस पर क्या दखल लेती है, क्या काम करती है।